अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। आज मैं आपको प्रोजेक्ट प्रपोजल को अंडरस्टैंड करने का तरीका बताऊंगा। जैसे कि आपको सोसाइटी के प्रोग्राम के अंदर नेटवर्क स्पेशलाइज्ड डोमेन के अंदर आपको एक टॉपिक दिया गया था, डिज़ाइनिंग सिक्योर बैंडविड्थ एलोकेशन चैनलाइजेशन टेक्निक अमंग रिमोट टावर्स एग्जिस्टिंग इन एन ऑटोनमस सिस्टम विद डायनेमिक टोपोलॉजी डिज़ाइन। अब इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसको ब्रेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक बैंडविड्थ एलोकेशन की टेक्निक चाहिए। किस काम को करने के लिए? एक डायनेमिक टोपोलॉजी को रन करने के लिए। किस पे बेस करेगी वो? रिमोट टावर्स पे। नाउ हमें कोई ऐसा एल्गोरिदम या कोई ऐसा टोपोलॉजी चाहिए जिसके अंदर हम अपने सेलुलर नेटवर्क को प्रमोट करेंगे। तो हम इसको रीड करते हैं। कंसीडर बैंडविड्थ एलोकेशन कंट्रोल सिस्टम विच इज़ बेस्ड ऑन डायनामिकली डिस्ट्रीब्यूटेड टावर्स। द प्रॉब्लम इज हैविंग विद फ्रीक्वेंसी एलोकेशन। नाउ आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर करना क्या है कि एक टोपोलॉजी को डिज़ाइन करना है, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट विजियम में डिज़ाइन करें या चाहे आप इसको पैकेट ट्रेसर में डिफाइन करें। आपको दो एडवांस लेवल के टूल जिसमें दिए गए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनेट एंड देन ओमनेट प्लस प्लस। ये दो टूल्स क्यों आपको दिए गए हैं? ये कॉन्फ़िगरेबल टूल्स हैं, इनके अंदर आप प्रोटोकॉल को बना भी सकते हो और टोपोलॉजी को डिफाइन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन दोनों टूल्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं भी है तो हमने अपने स्कोप को लिमिटाइज कर दिया है सो दैट टू ओवरकम द डेफिशिएंसी इन स्टूडेंट्स। आपने क्या करना है, अब हमने कैटेगराइज किया है दो तरह के स्टूडेंट्स को। मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन या डिवीजन में फ़र्क नहीं आएगा आप लोगों को, सिर्फ स्कोप को आपने आइडेंटिफाई करना है और उसके मुताबिक आपने एक कंसेप्चुअल मॉडलिंग हमें प्रोवाइड कर देनी है। राइट, कंसेप्चुअल मॉडलिंग कैसे? आपने टोपोलॉजी डिज़ाइन करनी है बेस्ड ऑन टावर्स, राइट, और उसके बाद क्या करना है कि डिवाइसेस अटैच कर देनी है उसके साथ। ये सर यहाँ पे मैंने कहा है कि फोर टावर्स आप बना लेंगे, 1, 2, 3 एंड 4 विथ 10 डिवाइसेस पर टावर, मीन्स 40 डिवाइसेस आपने डिप्लॉय करने हैं। अब आपने एक ऐसा एल्गोरिदम बनाना है जिसके ऊपर फ्रीक्वेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन हो सके या बैंडविड्थ एलोकेशन हो सके अमंग द डिवाइसेस विच आर अटैच विद डिफरेंट टावर्स। ये एल्गोरिदम आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर बना सकते हैं, इन सूडो कोड की फॉर्म में भी बना सकते हैं या इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में भी बना सकते हैं। जिससे क्या इंश्योर हो रहा हो? तीन चीज़ें इंश्योर हो रही हैं, उसकी क्वालिटी ऑफ सर्विस, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स और एलोकेशन और डी एलोकेशन ऑफ बैंडविड्थ। सही है, इसके अंदर हम जो लूप होल्स और डेड लॉक्स है इसको हम अवॉइड कर रहे हैं, ये ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइन। और इसके लिए हम बैंडविड्थ कंट्रोलर भी नहीं बना रहे, इसके लिए जस्ट हमें क्या चाहिए कि डिवाइसेस चाहिए, टावर चाहिए, क्वालिटी ऑफ सर्विस को एनहेंस करना है, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए रिसोर्स की और एलोकेशन डी एलोकेशन। होप टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, राइट। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैंने अनाउंसमेंट के अंदर स्काइप आई डी मैंशन किया है, आप काइंडली उसको देखिए ताकि आपको अच्छे तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड की जा सके। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।